हौसला बुलंद हो तो कोई भी बाधा इंसान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, ऐसा ही कर दिखाया है सुंदरनगर के रद्दू गांव के रजत ने। दोनों बाजू खोने के बाद भी रजत ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। रजत पढ़ाई के साथ साथ अच्छे चित्रकार भी हैं। इससे भी बड़ी बात यह है, दोनों बाजू न होने के बाद भी रजत बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। आपको बता दें, रजत मुंह से ही चित्र बना देते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप स्वयं ही इस वीडियो को देख लें। बचपन में एक हादसे में दोनों बाजू खोने के बाद भी रजत ने हिम्मत नहीं हारी। मेडिकल की जमा दो पास करने के बाद पीएमटी का 2019 का एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर पास किया। उसके बाद एमबीबीएस की सीट नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मिली, मगर सिलेक्शन बोर्ड ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जिससे रजत काफी तनाव में आ गया। उसने मेडिकल के बजाय अब आर्ट्स में बीए करने की सोची। परिवार उसे लेकर चिंतित है। लॉकडाउन में उसने घर पर रहते हुए जहां अपनी पढ़ाई जारी रखी है, वहीं अपने बचपन के शौक को जिंदा रखते हुए कोरोना को लेकर एक विशेष पेंटिंग बनाई है, जो आजकल चर्चा में है। इसमें बताया गया है कि कोविड-19 के चलते हमारे को कैसे अवेयर होना है। इसमें बताया कि कौन कौन इस कोविड-19 के कहर से बचाने के लिए, जैसे डॉक्टर्स आगे आ रहे हैं और नर्सेज काम कर रही हैं, बाकी हमारे को सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करना होता है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करना होता है। यही सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है पेंटिंग के थ्रू। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से देवेंद्र गुप्ता। फ्रेम की जर्मन तकनीक से तैयार यूबीडीसी के खिड़की और दरवाजे अब हिमाचल में भी। न दीमक की चिंता, न उखड़ता पेंट, न पानी का कोई असर, न ही शोर आएगा अंदर। सबसे अच्छे दाम और 10 साल की गारंटी के साथ हिमाचल में भी बना रहे हैं डीलर। अभी कॉल करें फैब फ्रेम 7206-82066 या 8988-2898।